आपके फादर का वहाँ पे ईदगाह में ढलान से वो रिक्शा पर बैठे हुए थे, रिक्शा वाले ने ड्रिंक की हुई थी तो रिक्शा पलट गई और उनका सिर जो है वो सीधा सड़क पे लगा। तो जब हमें मैसेज मिला तो वो हमारे पीपी नंबर पे, हमारे पास फ़ोन वगैरह भी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तब मेरी एज 15 साल थी। ऐसी सिचुएशन में जब हमें पता चला तो हमने मैंने मतलब मदर ने सिस्टर को बोला जो 10 साल की थी कि हम अभी जाते हैं, ज़रा पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को भी कुंडी मत खोलना, अकेले ही है क्योंकि, और मैं और मेरी मदर हम लोग निकले। तो जो भी मदर के पास पैसे थे वो लेकर के निकली। हम लोग जिस भी तरीके से ऑटो के माध्यम से पापा को लेकर के ना, कोई डिस्पेंसरी, कोई लोकल डॉक्टर, लेकिन सब लोग सिम्टम्स से बता रहे थे कि इनको किसी स्पेशल फर्स्ट एड या कोई ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग ये सोच के घबरा रहे थे कि जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जगह नहीं मिलती है, प्राइवेट में हम लोग ले जा नहीं सकते, तो ऐसे में हम क्या करें। और पापा रेलवे में थे तो उनका भी जो रेलवे का हॉस्पिटल था वो भी उन्होंने भी बोला कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम लोग नो हॉस्पिटल, तो रेलवे हॉस्पिटल ने लास्ट में हमें ट्रांसफ़र किया RML के अंदर। रात को 1:15 बजे का टाइम था, ये सब कुछ हमने ऑटो से ही किया क्योंकि कन्वेंस कोई नहीं थी। बट 1:15 बजे RML वाले कहते हैं कि आप ऐसा करें इनको एम्स ले जाएं क्योंकि इनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो मैं और मेरी मदर ना, हम लोगों ने क्या किया कि RML के सामने रेड लाइट पे खड़े होके 1:15 बजे लोगों को हाथ दे दे के रोका कि हमें, क्योंकि एम्बुलेंस अंदर से प्रोवाइड नहीं हो रही थी। और हम बार बार कभी किसी एम्बुलेंस वाले को कहें कि भैया जी डॉक्टर कह रहे हैं कि आप फटाफट वहाँ लेके जाओ, तो प्लीज़ आप एक बार चल लो। नहीं नहीं मैडम, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और वो दूसरा आएगा। नहीं सर, आप समझिए, आपकी थोड़ी सी मदद से मेरे फादर बच सकते हैं, मेरे पापा बच सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप उनसे सीनियर से बात कीजिए, ये कोई आप हमारी कोई ऐसे, जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं होते तब तक हम लोग नहीं जाते। अच्छा कुछ हो तो मैं उसे ऑफ़र भी करूं कि भाई आप मेरे से कुछ ले लीजिए और पापा को छोड़ दीजिए, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने रास्ते में लोगों को रोकना शुरू किया, तो एक ऑटो वाले को तरस आ गया, उसने कहा बेटा बोलो। तो मेरी मदर ने उससे बात करी कि ऐसे ऐसे हालत ख़राब है और एम्बुलेंस मिल नहीं रही है और हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो हमने किसी भी तरीके से फादर को, क्योंकि वो ही इज़ अनकॉन्शियस, उनको पता कुछ नहीं था, उनको हमने बांध रखा था क्योंकि वो जो जो उनका एक्सीडेंट हुआ था वो दिमाग से रिलेटेड था। तो अब उन्होंने मुझे और मेरी मदर को भी पहचानना, मतलब पहचान नहीं पा रहे थे वो। तब हमें वो लिफ्ट मिली, हम लोग रात को 2:15 बजे के आसपास एम्स पहुँचे। तो एम्स पहुँच करके हमें ऐसा लगा जैसे कि हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं कि अब हमें सब कुछ मिल गया। मतलब एक एक्साइटमेंट के साथ, जैसे फटाफट स्ट्रेचर सामने देखा पकड़ के मैं 3-व्हीलर तक लाया। बहुत अंदर से मेरे को बड़ी खुशी सी फीलिंग हो रही थी कि चलो अब हम लोग सही जगह पहुंच गए। बट तब अंदर जाके पता चला कि जब मैंने डॉक्टर से बोला कि ऐसे ऐसे पापा की तबीयत खराब, और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब मिली जब अंदर सारी स्ट्रेचर सब कुछ खाली था, तो मुझे लगा कि चलो अब तो ट्रीटमेंट और भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन तब पता चला कि आज तो डॉक्टरों की हड़ताल है। एक चीज़ जो मैं एक मन में अभी चुभन जो रह गई है वो ये रह गई है कि मुझे आज भी अपने वो 9-10 कोने याद हैं जहाँ मैं तड़प रहा था कि मुझे कोई लिफ्ट दे, कन्वेंस दे, कोई मदद आए। तो आज ना जाने दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर ऐसे कितने कोने होंगे जहाँ मेरे जैसे उस उम्र का कोई ना कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए, या एक पत्नी अपने पति के लिए, या एक बेटा अपने बाप के लिए परेशान होता होगा। हमारे पास सभी तरह से सभी लोगों के फ़ोन आते हैं, हमने हॉस्पिटल्स में इन्फॉर्म किया हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसके पास कुछ नहीं है तो आप हमें इन्फॉर्म करें। स्टिकर्स बनवाए थे, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस वाले खड़े होते हैं वो फाड़ देते हैं कि इनकी वजह से हमारी हमारा धंधा ख़राब हो रहा है, क्योंकि उनको वहाँ पे मुँह मांगे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग जब सेवा इस तरीके की देते हैं तो उन लोगों को दिक्कत होती है। उसके अलावा पुलिस स्टेशन से हमारे को कि अभी PCR दूर है या नहीं पहुंच पा रही, तो लोग हमारी हमारा फ़ायदा ले लेते हैं। जो हमारे आसपास, हमारे कंट्रोल रूम के आसपास इर्द गिर्द जितनी भी रेड लाइट्स हैं वहाँ पर तैनात ड्यूटी पर जो लोग हैं उन लोगों को, और जो वहाँ पे होर्डिंग्स हैं वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं बोर्ड वगैरह, हम हमारी तरफ से हर संभव प्रयास ही होता है। हमने एक विजिटिंग कार्ड हमने बनाया हुआ है, उस विजिटिंग कार्ड के पीछे हमारी सारी डिटेल्स हैं कि आपको किन किन चीज़ों में हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, सदैव तत्पर हैं।
और ऐसी पोजीशन